नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायपुर दौरा था, जिसको लेकर कृषि मंत्री चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी, शिव प्रकाश सहित केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, लेकिन लगातार मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। मंत्री चौबे ने कहा कि मंत्रियों के पास कोई जवाब हो भी नहीं सकता, महंगाई आसमान पर है। डीजल पेट्रोल ईंधन का प्राइस बढ़ रहा है, कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी परेशान है। देश को महंगाई के गर्त में डालने का कोई दोषी है तो कोई केंद्र सरकार की नीतियां हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से, विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया, तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है, तो उसके क्या जवाब देंगे? डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ईंधन गैस की कीमत, सारे घरेलू उपयोग की जिंसों की कीमत, आम आदमी से लगभग अब कमर तोड़ महंगाई से बहुत परेशान है। कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है, तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे। पूरा मामला बेमेतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत चंदनू का है। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके गांव में बिजली की समस्या हो रही है। दरअसल गांव में लगे बिजली के केबल पूरी तरह से जल गए हैं, इसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या हो रही है। इसके अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। वहीं मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर उन्होंने अपनी बात कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर है सितियार, हमारी यहाँ लाइन के ज़्यादा परेशानी है। ओकर परेशानी में कम से कम एक हफ्ता हो गए, पानी ज़्यादा समस्या पड़ा थे। लाइन रही थे तो पानी पूर्ति पर देते, बिना लाइन से सोई भी सुविधा, पानी भी भारी तकलीफ। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, नदिया त्रिया में जाल पड़ते पानी पिए बस। लाइन के जबरदस्त है, यहाँ से वहाँ कम से कम चार पाँच पोल के तार कट चुके, जल गए केबल लाइने। एक शिकायत वहाँ भी जानकारी दे हम बिजली विभाग में, नमगर ओकर बाद दे फिर कलेक्टर साहब तो गुहार करे पर आ निकल से जे हमारे निराकरण तत्काल हो जाएगी। रायपुर स्थित निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल की शिकायतें मिल रही थीं। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई डॉक्टर खूबचंद बघेल ने स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अतिरिक्त राशि ली थी, जिसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी सीएम के पास बिना आंकड़े लिए पहुंच गए थे, जिस बात को लेकर सीएम ने उन पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि वन धन समिति का कार्य ठीक से होना चाहिए, वहीं आम आदमी और महिलाओं की आय में वृद्धि भी होना चाहिए। सभी गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने अधिकारियों से आवर्ती चराई एवं राजस्व भूमि और वन भूमि में गौठान की जानकारी ली। सीएम का कहना है कि वह वन क्षेत्र नरवा विकास के कार्य का निरीक्षण हेलीकॉप्टर से करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने आज तपती दोपहरी में ग्रामीणों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर शासन के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बलौदा ब्लॉक के लछनपुर, उदयबंद और जरवे में निर्माणाधीन पानी टंकी नल जल कनेक्शन कार्य का अवलोकन किया। प्रभारी सचिव ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना,
गोधन न्याय योजना सहित अन्य विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली। वहीं ग्राम लचनपुर में निर्माणाधीन पानी टंकी के अवलोकन के दौरान प्रभारी सचिव ने पीएचई के सब इंजीनियर को सीढ़ी से ऊपर चढ़ाकर पानी टंकी के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए। यहाँ उन्होंने निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के बिहार राज्य से होने पर पीएचई के ई को भी निर्देशित किया कि वह अपने आसपास के ग्रामीणों को टंकी निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दे ताकि यहाँ के मजदूरों को बाहर काम करने न जाना पड़े। रायपुर में इनकम टैक्स ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि आयकर विभाग से आम लोगों को अत्यधिक मदद मिलेगी, वहीं लोगों को पुणे या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ का सारा टैक्स का कार्य अब यहीं से होगा। ऑफिस उद्घाटन के लाए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ में जैसे आप लोग कह रहे हैं, हमारे मोदी सरकार के 8 साल के पूरे होने पर देश भर में मंत्रियों का भी दौरा चल रहा है और कार्यक्रम किया जा रहा है। इन 8 सालों में भारत देश 2014 में कहाँ थे और आज कहाँ खड़ा है सबको मालूम है। गर्व का विषय है कि आज हिंदुस्तान विश्व का एक मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं। 2014 से पहले भारत जब विश्व के पटल पर जाते थे तो एक सदस्य के रूप में जाते हैं, आज तो नेतृत्व का रोल प्ले करते हैं। मोदी जी का नेतृत्व में दुनिया ने देख लिया है कि भारत बहुत ही मजबूत और पूरा विश्व को एक नए रास्ते पर ले जाने में भारत सक्षम है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव में बने घर को तोड़ते हुए अनियंत्रित होकर पलटी। पूरी घटना मस्तूरी बिलासपुर मुख्य मार्ग की है। वहीं कार में 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद कार में सवार 3 फरार हो गए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। धमदा में ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। दूर की ओर आ रही ट्रेलर ने कार को चपेट में ले लिया। कार में सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस की विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा था। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने आई थी, झंडा लेकर केंद्र सरकार से अच्छे दिन आएंगे कहती थी, लोगों के हर एक खाते में 15 लाख रुपये आएंगे, अच्छे दिन आएंगे के वादे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इन वादों का क्या हुआ जनता जानना चाहती है। मोदी सरकार के 8 सालों के काम को बताने के लिए राज्य में 2-2 केंद्रीय मंत्री आज उपस्थित थे। स्मृति ईरानी आई थी जो मोदी सरकार के आने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के समय बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार नारों की झंडा बढ़ रहा थी, जो स्मृति ईरानी बार बार यह बोलती थी कि अच्छे दिन आएंगे, वो स्मृति ईरानी भी यहाँ पे थी, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रही थी, लेकिन उनमें साहस नहीं था जनता को यह बताने के लिए कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था हर एक के खाते में 15 लाख लाने का, अच्छे दिन लाने का, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, किसानों की आय दोगुनी करने का, उन सब वादों पर मोदी सरकार क्या आज भी कायम है? 8 साल हो गया, इन वादों का क्या हुआ? कब आएंगे अच्छे दिन? महंगाई से जनता बेहाल है, परेशान है। स्मृति ईरानी जी महंगाई पे एक शब्द भी बोलने से क्यों डर रही थी, जनता यह जानना चाहती। भोपाल रायसेन बाईपास पर वन महकमे खनिज विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से खनिज माफिया राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग की भूमि पर अवैध मुरम कोपरा बोल्डरों की धड़ल्ले से खुदाई कर परिवहन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर भोपाल रायसेन बाईपास पर दिन दहाड़े बेरोक टोक अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध उत्खनन को लेकर माइनिंग अधिकारी आर के कैथल का कहना है कि हमें कोई अवैध उत्खनन की जानकारी नहीं मिली है, अगर शिकायतें मिली तो वाहनों की धरपकड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
मामला पवई के अमानगंज का है, जहां महिला लक्ष्मी बाई की स्वामित्व की भूमि पर दबंग अशोक कुमार यादव ने निवासी पिपरवा व कौशल्या बाई कुशवा निवासी महुदवा ने जबरन मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जबकि महिला ने कोर्ट में आवेदन देने पर उसे रोकने का आदेश मिला है, फिर भी दबंग अतिक्रमण कर कार्य कर रहे हैं। साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। महिला ने न्याय पाने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी को आवेदन दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद महिला ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। खेरवा में हिंदुआ की वो कौशल बाई है जी, वो हमारी जबरदस्ती घर मकान कब्जा कर रही है। तो हमने सुनाई की है तहसीली अमनगंज में जी, और स्टिक भी लगाया है। फिर स्टिक लगाने की बाद भी वो घर मकान बनाती है। हाँ, कहाँ कहाँ बना रही है मकान? 11 नंबर वार्ड साला मोहल्ला। शासन से क्या मांग है आपकी? हमारी यही है कि हमारी जमीन दिलवा दें। मध्य प्रदेश के सीहोर में नाम निर्देशन पत्र के पांचवें दिन 858 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सीहोर मुख्यालय से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरुषों के 8 एवं महिलाओं के 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सीहोर जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरुषों के 10 व महिलाओं के 17 सरपंच पद के लिए पुरुषों के 79 व महिलाओं के 77 तथा पंच पद के लिए पुरुषों के 94 एवं महिलाओं के 73 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं जनपद बुधनी से जनपद सदस्य के लिए पुरुषों के 5 व महिलाओं के 2 व सरपंच के लिए पुरुषों के 15 एवं महिलाओं के 7 और पंच पद के लिए पुरुषों के 3 और महिलाओं के 3 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। सागर में प्याज की खेती करने वाले किसान काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इस बार प्याज का सही भाव नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में अधिकांश किसान प्याज की फसल लगाते हैं, साल उसके भाव 5 रुपए प्रति किलो तक नहीं मिल रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने प्याज की फसल लगाई थी, लेकिन मौजूदा समय में जो प्याज के भाव मिल रहे बहुत कम है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज कर फसल लगाई हुई थी, परंतु उचित भाव के न मिलने से वह इस बार लागत भी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। ये साल प्याज लगाई और बिल्कुल भाव गिर गए, 2 रुपया किलो की जा रही। शासन खरीद ले है तो ठीक है, ना तर तो घाटा ही लग गया, कुछ नहीं आई फसल में। पजी तो अच्छी है, मैंने क्या करे। सर हमने इस साल प्याज लगाई तो बड़ी परेशानी, भावे नहीं मिल रहे हैं, तो लग गई सूदी नहीं हो रही है। प्याज तो अच्छी पड़ी है, का करे पाग नहीं जाए, परेशानी है सर। सर शासन खरीद रहेगा तो ठीक है, न गरीब आदमी किसान आदमी तो बिल मारो मारेगा, कोई उपाय नहीं जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव तहसील फोरलाइन पर चाचा भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि चाचा भतीजे शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक पर सवार चाचा रतन यादव व भतीजा दीपक यादव की मौत हो गई। वहीं दोनों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।